क्रांतिवीर उमाजी नाईक। क्रांतिवीर उमाजी नाईक भारत के इतिहास में महाराष्ट्र में हुए मूल निवासी बहुजन समाज के महान तथा आद्य क्रांतिकारक है। 7 सितंबर 1791 को उमाजी का जन्म पुणे जिले के पुरंदर तहसील में भिवड़ी गांव में हुआ। माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता दादोजी थे। उनके परिवार को खोमड़ी स्कूल नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में बहुचर्चित पुरंदर किले की जिम्मेदारी रामोशी समुदाय के हाथ में थी। दादोजी खोमड़े पुरंदर की जिम्मेदारी संभालते थे, इसी कारण उन्हें नाईक यह उपाधि मिली थी। उमाजी के पिता दादोजी का देहांत 1802 में हुआ। उसके बाद पुरंदर किले की जिम्मेदारी पेशवाओं ने रामोशी समाज से हटा दी। यह पुरंदर किला रामोशी समुदाय के जीवन का बड़ा आधार था। अंग्रेजों के समय भी एक वर्ग विशेष के पास ही धन संपत्ति और सत्ता हुआ करती थी। यह लोग अपने ही लोगों पर अंग्रेजों की छत्र छाया में जुर्म ढाते थे। इनके खिलाफ समाज में रोष था। पुरंदर किला पेशवाओं ने छीनने के कारण रामोशी समुदाय के लोगों ने अमीरों की धन संपत्ति लूटना शुरू किया। उस वक्त युद्ध आम बात थी, सभी के पास हथियार हुआ करते थे। अमीरों को लूटते वक्त हुई लड़ाई में 1816 में एक खून के इल्जाम में उन्हें परांदा नमक क्षेत्र से कैद किया गया, लेकिन वहां से वे भाग निकले। उसके बाद सन 1818 में समाज के नेता संतु नायक के साथ पनवेल इलाके के खालापुर के चांजी मातिया को लूटा। अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें जेल हुई। इसी दौरान जेल में उमाजी नाईक ने पढ़ना लिखना सीखा। जेल की दीवारें उमाजी को बांधकर नहीं रख सकी, वहां से वे भाग निकले। जेल से भागने के बाद उन्होंने पुनः अमीरों की संपत्ति लूटकर छीनना प्रारंभ किया। 1824 उमाजी और साथियों ने पुणे के भंबोलडा के नजदीक अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। 1826 में उमाजी ने पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिरज क्षेत्र के पटवर्धन और सातारा फलटन के सरदारों को भी नहीं छोड़ा। यह अमीर सरदार लोग अंग्रेजों से उमाजी को रोकने की गुहार लगाते रहे। इसके कारण उमाजी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 28 अक्टूबर 1826 को एक फतवा निकाला। फतवे में उमाजी को पकड़कर देने के लिए 100 रुपए का इनाम घोषित किया। अब उमाजी का संघर्ष जुर्मी अमीर सरदारों और अंग्रेजों के खिलाफ तेज हो गया था। उमाजी नाईक ने भी 25 दिसंबर 1827 में अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी में फतवा निकाला। संताजी नायक के निधन के बाद उमाजी जनता के लिए एक नेता के रूप में उभर आए। यही से जनता तथा उमाजी ने अपने आप को राजा घोषित किया। राजा अर्थात जनता का मुखिया एवं प्रशासक के नाते वे दरबार का आयोजन करने लगे और साथ ही खुद न्यायदान करने लगे। अब शासन अंग्रेजों का नहीं चलेगा बल्कि मेरा चलेगा, इसी निश्चय के साथ उमाजी व्यवहार करने लगे। 27 नवंबर 1827 को कैप्टन रॉबर्टसन को लिखे एक खत में कैप्टन डेविस कहता है कि पंगारी के नजदीक उमाजी राजा बनकर बैठा है। खेती का लगान और बाकी चीजें अंग्रेज जनता से वसूल किया करते थे। उमाजी नाईक अपने इलाके में इसको मनाई करते हुए राजा के नाते खुद ही जनता से अपने राज्य के लिए लगान लेने लगे। इसी कारण से अंग्रेज और पेशवाओं के लोग उमाजी के खिलाफ आक्रामक हो गए, उमाजी पर दबाव बनाने लगाए। अंग्रेजों और पेशवाओं की आक्रामकता के कारण 1828 में उमाजी को अंग्रेजों के कमांडिंग अधिकारी के साथ तह अर्थात समझौता करना पड़ा। इसी समझौते के तहत उमाजी को जुलाई 28 से अक्टूबर 30 तक अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ी।
यद्यपि उमाजी अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके साथी जैसे राणू, हनुमंता आदि अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे। अंग्रेजों को शक हुआ कि इसके पीछे उमाजी है, इसलिए उन्होंने उमाजी को नजर कैद किया। लेकिन 16 दिसंबर 1830 को उमाजी अंग्रेजों के इस कैद से भाग निकले और यहीं से असली जंग शुरू हुई। पुणे के नजदीक सासवड़ क्षेत्र के कड़े पठार इलाके में उमाजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत आमने सामने की लड़ाई के बजाय गुट बनाकर लड़ना तय किया। ऐसा करते वक्त आम रैयत को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, इस बात का निर्णय किया गया। यहां से उमाजी राजे की लड़ाई अंग्रेजों और सरदारों को लूटना नहीं बल्कि अंग्रेजों को भगाने के लिए शुरू हुई। उन्होंने अपने सभी सैन्य प्रमुखों अर्थात नायकों को खत लिखा। उन्होंने तात्कालीन मराठी भाषा में कहा कि जनसामान्य लोगों को तकलीफ न दे, केवल खाने की चीजें ले। इसके बाद उमाजी राजे का अंग्रेजों के साथ मांडरदेव, पांडवगढ़, पुरंदर आदि इलाके में सामना हुआ। 26 जनवरी 1831 को अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज रिबन ने उमाजी के खिलाफ एक फतवा निकाला। उमाजी को पकड़कर देने के लिए 10 रुपए और 200 बीघा जमीन इनाम रखा गया था। अब उमाजी केवल कोई गढ़ का मुखिया नहीं थे, वे राजा के रूप में कार्यरत हो गए थे। अपने स्वतंत्र सरकार के मुखिया के नाते उमाजी राजा ने 16 फरवरी 1831 को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी ऐलाननामा प्रसिद्ध किया। इसकी विशेषता यह थी कि यह ऐलाननामा भारत की तमाम जनता को संबोधित करने वाला था। इसमें उन्होंने सरदार, वतनदार, मुस्लिम रैयत इन सभी को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें भारत की जनता को नए न्याय आधारित राज्य का भरोसा दिया गया था। अब उमाजी राजा के साथ मुसलमान, धनगर, मांग, महार, मराठा, हेटकरी, कोली, भील, ककैया भी थे। उमाजी को अपनी लड़ाई में समर्थन मिलने लगा। सातारा के प्रताप सिंह महाराज ने उमाजी को राजवस्त्र भेंट किए। जंजीरा का नवाब भी उमाजी की मदद की उम्मीद कर रहा था। रैयत भी उमाजी को अपना मानने लगी थी। कोकण, रायगढ़, पुणे आदि इलाके से उमाजी को समर्थन मिल रहा था। एक तरफ उमाजी नाइक अंग्रेजों से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ पेशवा और उनके बापू गोखले, धोंडोपंत गोखले, सासवड़ के जागीरदार पुरंदरे, उत्तरौली का त्र्यंबक चंद्रस कुलकर्णी, भोर संस्थान के पंत प्रतिनिधि, पुणे के बालासाहेब नातू, सातारा के बलवंतराय चिटनीस किसका साथ दे रहे थे, यह बात इतिहास से छिपी नहीं है। उत्तरौली का ग्राम जोशी त्र्यंबक चंद्रस कुलकर्णी ने उमाजी के उत्तरौली आने की खबर अंग्रेजों को दी और 15 दिसंबर 1831 को उमाजी को अंग्रेजों द्वारा कैद किया गया। इसके बाद सजा सुनाकर 3 फरवरी 1834 को राजे उमाजी नाइक को पुणे के खड़कमाल में फांसी पर लटका दिया। उत्तरौली के त्र्यंबक चंद्रस कुलकर्णी ने भोर संस्थान के पंत प्रतिनिधि द्वारा अंग्रेजों को 1 अक्टूबर 1831 को खत लिखा, जिसमें वह कहता है कि जान जोखिम में डालकर उमाजी को कैद करवाया, मुझे इनाम चाहिए। जिस अंग्रेज अधिकारी ने उमाजी को पकड़ा उसका नाम कैप्टन अलेक्जेंडर मैकिंटोश था। उसने उमाजी पर जीवन लेख लिखा, द स्केच ऑफ द लाइफ ऑफ द रामोशी चीफ उमा नाइक खोमड़े ऑफ पुरंदर। उमाजी के समकालीन और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ छोटे बड़े विद्रोह हुए, लेकिन उमाजी का संघर्ष और उनका सन 1831 का ऐलाननामा उन्हें आदि क्रांतिकारी कहलाता है। यह केवल अंग्रेजों के विरोध में लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने देश में अपना राज हो इस उद्देश्य के साथ की लड़ाई के कारण वे आदि क्रांतिकारी हैं। ठीक इसी तरह झारखंड प्रांत में अबुआ दिशुम अबुआ राज के आधार पर ही
ऐसा ही आंदोलन हुआ। राजा उमाजी नाइक पर वास्तविक इतिहास लिखा जाना आवश्यक है। उनका चरित्र लेखन एक लुटेरा, डाकू और अंग्रेजों का कट्टर विरोधक के रूप में किया गया, लेकिन बामसेठ और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खोजबीन कर राजा उमाजी नाइक का चरित्र इतिहास पुनः लिखना प्रारंभ किया है। इससे छुपे छुपाए और ढके हुए पन्नों को फिर से पढ़ा जाने लगा है, इतिहास को पुनः पढ़ा जाने लगा है कि किन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, किन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सत्ता चलाई, किन्होंने अंग्रेजों से सत्ता लेकर राज किया और अंग्रेज जाने के बाद किसके हाथ सत्ता आई जो आज भी राज कर रहे हैं। अंग्रेजों की ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपनी जंग लड़ने वाले आदि क्रांतिकारी राजा उमाजी नाइक पर पूरे भारत में मूल निवासी गौरव करते हैं।